पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ओ तेरी, ओ सोने का जड़ा हुआ हार, ओ बेबे बन गया रे पति। बेबे नकली है वो। क्या नकली है? पर है महंगा। कहाँ से लिया, कितने का लिया, और इतने पैसे तेरे पास आए कहाँ से? वो बानी भाभी ने मुझे गिफ्ट किया है? है? ऐसे चोरी करना अच्छी बात नहीं होती है गिन्नी। I'm sorry भाभी, प्लीज आप घर पे मत बताना। एक ही शर्त पे मुझसे वादा कर, तू दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। I promise भाभी। हाँ बेबे, वो गिन्नी को पसंद आया था तो दिला दिया मैंने। गौरव जी कैसा लग रहा है? बेकार, तू खुद पुरानी हो गई है। मेरे साथ आप भी पुराने हो गए, और वैसे भी मुझे ये कुछ खास नहीं लगा। एलफड़ अपना सेट। वैसे एक बार बता मुझे कि पहन के तूने जाना कहाँ है? वो मेरे दोस्त है ना, उसने अपने नए घर के लिए पार्टी रखी है पर्पल थीम पे। मेरे पास कोई पर्पल ड्रेस तो नहीं है, पर मेरी दोस्त ने बोला कि वो मुझे अपनी पर्पल ड्रेस उधार पे दे देगी। उस ड्रेस के साथ ना ये बहुत जचेगा। ठीक है, अच्छा है फिर तो। गिन्नी मुझे एक बात बता, तेरे डैडी जी से पूछा है तूने पार्टी के बारे में? मम्मी, मेरी प्यारी सी माता श्री, मेरी प्यारी सी मम्मी, आप बोलोगे ना तो पापा जरूर मान जाएंगे। मैं नहीं बोलने बालने वाली भाई, पिछली बार जो हुआ है ना, तुझे खुद पूछना तो पूछ। भाभी 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 को छितर नहीं खाने, कहीं और को जाओ। चलो बेबे, आप बोलोगे ना तो पापा जरूर मान जाएंगे, प्लीज। हाँ बोल दूंगी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ बोल दूंगी कि इस लड़की को बिल्कुल मत जाने देना। प्लान कैंसल। आस्था दीदी, सोचना भी मत। गौरव भैया। हाँ। आप तो पापा को बोल ही दोगे ना? है? आप तो पापा को बोल ही दोगे ना? है? आवाज नहीं आई। ठीक है, मत बोलो कोई भी, मैं अपने आप ही कर लूंगी ये काम भी। अब भाभी आप सब्जियां काट लो, मैं आटा गूंद लेती हूँ। मैं बाहर खड़ी हो जाती हूँ, तुम बात कर लो आराम से। हेलो, आप अपना टिफिन घर पे भूल आए थे ना, गुस्से में मैं आपके ऑफिस के बाहर ही खड़ी हूँ। थैंक यू टिफिन लाने के लिए। यार एक बात बताओ, तुम्हें क्यों बनना है सबसे अच्छी, सबका ख्याल क्यों रखना है तुम्हें? क्योंकि ना मैं लालच हूँ, आप ही ने कहा था ना अगर मैं खाना नहीं लाती तो आप बाहर से खाते, और उसके लिए पैसे लगते, पैसे बर्बाद हो जाते ना, इसलिए। जब नाश्ता नहीं करते हो ना तो एसिडिटी हो जाती है, जब पेट खराब होगा तो मूड खराब होगा, और मूड खराब होगा तो काम खराब होगा। पहली बात तो मुझे आज तक एसिडिटी नहीं हुई। एसिडिटी हो जाती है, और मैं मूड और काम को ना मिक्स नहीं करता हूँ, दोनों को अलग अलग रखता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। लगता है दोस्तों के साथ खा के पेट नहीं भरा है बेटा। उस डब्बे में ना नमक पा रहे हैं, मम्मी जी ने अपने हाथों से बनाए। इसमें? स्वाद है ना? सच्ची मम्मी के हाथ में ना जादू है, अब तो नहीं ये मेरे भी फेवरेट हो गए। आज देवते गाड़ी पड़े रोमांटिक मूड में लग रहे हैं, तो पलंग सब कट हो गएगा। धड़ाम। टूटेगा।
कुछ नहीं, बड़ी जोर से आवाज आई। भाई मेरी नींद खुल गई। कुछ टूटा क्या? नहीं नहीं तो। भाई तुम दोनों ठीक ठाक तो हो? रब्बा हो। हाँ मेरे रब्बा, बैड टूट गया। हाय रामन। वो ऐसा क्या कर रहे थे जो बैड टूट गया? लगता मेरे भाई ने पलंग तोड़ पान खाया है। क्या हो गया? इतना रोल लगे मचाया हुआ तुम लोगों ने? हाँ तो ठीक है, पुराना बेड था टूट गया। परेशान क्यों कर रहे हो दोनों को? चलो चलो। कोई नहीं कोई नहीं। चल और रजत कारपेंटर बुला लियो कल है। ठीक है सो जाओ तुम लोग। अब ये पलंग तोड़ पान क्या होता है? ओ होता है, मुझे क्या पता क्या होता है पलंग तोड़ पान क्या होता है। अब बताता हूँ गौरव भैया को कि ये पलंग तोड़ पान किसने खाया है। धीरे धीरे तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार भी होगा और उसका एहसास भी। करता था मैं उससे प्यार, वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा रिश्ता था जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। पता नहीं रजत जी अपने दिल से लावण्य जी को निकाल भी पाए या नहीं। और खुल के हंसो। बेबे वेरी गुड। अरे वाह बेबे ने तो कमाल कर दिया भैया। बेबे बढ़िया किया आपने। पर जान निकाल लेते हो तुम मेरी। ओ नहीं नहीं करना चाहिए ना, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बंदा और खुशगवार हो जाता है। हाँ बोल, अब क्या नया बहाना मारना है? शाम को 7 बजे ना सेक्टर 18 की मार्केट में आ जाना, आपको आपकी किस्त मिल जाएगी। आज तो इसकी असलियत पता करके ही रहोगे। ये टेढ़ा लग रहा है थोड़ा। अरे टेढ़ा ही है सर जी। मतलब आप चिंता ना करो, मैं कर दूंगा सीधा जी। तो चाय तो पी ले। मैं पहले लेट हो रहा हूँ यार, बहुत काम है। मेरे को पिला दो जी। और तू भी पीता? पिलाओगे तो पी लूंगा जी। बेबे बिहेव, वो चाय की बात कर रहा है। तो मैं भी चाय की कर रही हूँ। सर जी बड़े फिट लग रहे हो आप। रोज सुबह लाफ्टर क्लब जाता हूँ, रेजिडेंट लाफ्टर क्लब EX। जिम शिम नहीं जाते जी? जिम की जरूरत नहीं है, योगा से ही होगा। डॉल है। बड़ा था मैं जी योगा में, तो आपने इस उम्र में भी पलंग तोड़ दिया। हाँ ओए क्या बकवास कर रहा है, ये पलंग मेरे कमरे का नहीं है। तो किसने तोड़ा जी फिर? वो मेरे बेटे के पलंग का कमरा है, कमरे का पलंग है। मेरा दिमाग देख, कैसे सारी चीजों से तेरे को बाहर निकाल के ले आया। इल्जाम आ गया इनके सिर पे। और ये जो लकड़ियां पड़ी है जो, इनका क्या करना है जी? ओ, पालना बना दे। ओ बेबे पालना किसके लिए? ओ, मैं बैठ के झूलूंगी। ओ बेबे तेरी उम्र है पालने में झूलने की? अब बेवकूफ चुप कर, पालना किसके लिए होता है? बच्चों के लिए होता है ना। तेरे तो हो गए दो दो, अब दूसरे की बारी है। ओहो ये उनके जिन्होंने पलंग तोड़ा है। ओ पता है मुझे, तुझे क्या लगता है मेरा साबुन स्लो है? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।